चेन्नई सुपर किंग्स के एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों के कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने से इस फ्रेंचाइजी और आईपीएल संचालन परिषद की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स संकट मोचक सुरेश रैना की भी कमी खिलेगी, जो निजी कारणों से इस टूर्नामेंट से हट गए हैं। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि शहर में कोविड के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए जोन आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित निर्देश दिए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की। तीनों दिन में एजेंसी ने उससे 26 घंटे तक पूछताछ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप एवं नए उद्यमियों से खिलौना उद्योग से बड़े पैमाने पर जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय खिलौने के लिए आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी विकास कार्य अगले 2 साल में पूरे करने का दावा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। गढ़चिरौली जिले के 777 करोड़ रुपए के राजमार्ग का उद्घाटन लोकार्पण रविवार को ऑनलाइन किया गया। इस दौरान गडकरी बोल रहे थे। नागपुर के पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके के नागरिकों को किसानों को नुकसान भरपाई देने की मांग राज्य सरकार से। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के चलते सारे डैम और हो गए पानी नदियों में छोड़ने से जिले के पारशिवनी सामने रामटेक कामठी मौदा तहसीलों के कई गाँव में पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश से पड़ोसी जिलों में अन्य राज्यों के अलावा स्थानीय किसानों से सब्जियों की आवक कम होने से शहर में सब्जियों के रेट आसमान छूने लगे हैं। इससे आम लोगों की थाली में से सब्जियां गायब हो रही है। गृहिणियों का किचन में अनाज दाल से काम चलाना पड़ रहा है। क्रिकेट सट्टे और एमडी की लत के लिए एक्टिवा चलाने वाले सम्राट परिवार के युवक पुलिस के हाथ लगे हैं। सजा पुलिस ने उसे 10 रुपया बरामद की है। आरोपी मोनी दादलानी को क्रेजा नगर जरीपटका तथा विवेक गुमनानी वसंत शाह जरीपटका है। जिले में शनिवार को आई बाढ़ के कारण 4 तहसीलों के 48 गांव में भारी तबाही होने का अनुमान है। प्रशासन ने पानी से गिरे 4,547 परिवारों के 26,490 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नागपुर जिले में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। जिले में रविवार को 1313 नए संक्रमित मिले। इसमें शहर के 1156, ग्रामीण के 155, जिले के बाहर के 2 संक्रमित हैं।